भूषण ज्वेलर्स। मंडी जिला के दौरे पर सराज पहुंचे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ आई कांग्रेस सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए बहुत बड़े आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा तो कर दी, लेकिन सरकार की यह राहत राशि 3 माह बीत जाने के बाद भी प्रभावितों को नहीं मिल पाई है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के खोलानाल पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा से प्रभावितों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा, भारी बारिश के दौरान सराज के खोलानाला पंचायत में भी सब कुछ तबाह हो चुका है, बावजूद इसके यहां प्रभावितों को सरकार की ओर से अभी तक कोई भी राहत नहीं दी गई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़े राहत पैकेज का ऐलान तो कर दिया, लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी कांग्रेस सरकार प्रभावितों को आर्थिक राहत देने में नाकाम रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस नेता यदि राहत देने की बात कह रहे हैं तो यह भी साफ कर दें कि यह राशि किसे दी जा रही है। जनता ने कांग्रेस को उनकी समस्याएं दूर करने के लिए चुना है, लेकिन सरकार समस्याएं कम करने के बजाय जनता को और कष्टों में धकेल रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने प्रभावितों के लिए 7-7 लाख रुपए की मदद की है, जबकि गांव में लोग कह रहे हैं कि अभी तक पटवारी तक नुकसान का जायजा लेने उनके घर नहीं पहुंचा है। ऐसे में सवाल उठता है कि बड़े राहत पैकेज का ढिंडोरा पीटने वाली ये सरकार आखिर 3 महीने बीतने के बाद भी राहत राशि क्यों नहीं दे पाई है। जयराम ने कहा, झूठी गारंटियां देकर कांग्रेस पार्टी ने लोगों के साथ धोखा किया है। पिछले दिनों मैं मध्य प्रदेश में था, जहां इनके नेता लोगों के बीच चुनाव में कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने 1 साल में सभी 10 गारंटियां पूरी कर दी हैं, जिनकी गारंटी उन्होंने चुनाव से पूर्व की थी। हैरानी होती है कि जहां एक गारंटी तक पूरी तरह लागू नहीं करवा पाने वाली कांग्रेस देश भर में कैसे झूठ बोले जा रही है। जिन पंचायतों में ज्यादा नुकसान हुआ है उसमें से एक पंचायत ये खोलानाल की है, और विशेष तौर से ये खोलानाल का गांव पूरी तरह से तबाह हुआ है। लोगों के घर चले गए, लोगों की जमीन चले गई, सरकारी भवन बने गए वो भी चले गए, लोगों की पशुशाला चले गई, पशुधन चला गया, और उसके बावजूद 3 महीने बीतने के बावजूद भी हम राहत की दृष्टि से यहाँ पूछ रहे थे जब साथियों को, तो मुझे अफसोस है इस बात को लेकर के। घोषणा तो बहुत कही है कि हमने राहत का पैकेज दिया है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ अभी तक किसी व्यक्ति को राहत मिली ही नहीं। तो राहत की अगर बातें कह रहे हैं तो राहत किसको मिल रही है, तो ये सारे बहुत सारे प्रश्न है। यहाँ स्कूल के बच्चों के लिए बैठने की अब व्यवस्था नहीं है, प्राइमरी स्कूल के बच्चे प्राइवेट अकोमोडेशन में एक जगह बैठे हैं, जहां पर 20 बच्चे बैठ सकते हैं वहां पर 70 बच्चे बैठाए हुए उन्होंने, और वहां जो हमारा दूसरा स्कूल है हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बिल्डिंग वो डैमेज हो गए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर कहां हो पाएगा, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। स्टाफ की शॉर्टेज यहां पर बहुत बड़ी परेशानी बनी है, सारा स्टाफ बदल करके इस राज्य विधानसभा क्षेत्र का दूर दराज के दूसरे इलाकों में भेज दिया प्रदेश में। तो इस प्रकार से कांग्रेस व्यवस्था परिवर्तन की बातें कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जिस सरकार को चुना गया है देश की जनता द्वारा, उनकी समस्याओं को और बढ़ाने का काम कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी जो डैमेज हुआ है उस डैमेज की भरपाई करने के लिए पैसा स्वीकृत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV।